गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। अभी करेंट टाइम पे जो अपडेट आ रही है वो विजिट वीज़ा को लेके आ रही है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो मैं बता दूँ कि अभी अभी कल की डेट में तो आज से एक नया कानून लागू हुआ है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन कल आ गया था, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, पूरी कन्फर्मेशन के बाद ही बनाता हूँ। तो अभी मैंने कंफर्म किया है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो 6 महीने का, जो 3 महीने का विजिट वीज़ा होता था, उसको अभी इन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। 3 महीने के विजिट वीज़ा अभी आप नहीं ले सकते। अगर आपको विजिट पे आना है तो आपको 60 डेज़ यानी 2 महीने के, अगर आपको विजिट पे आना है तो आपको 60 डेज़ यानी 2 महीने के विजिट वीज़ा पे आपको आना होगा। वही वीज़ा आपका मिल रहा है। बाकी 3 महीने का वीज़ा भी इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। यानी जो 90 डेज़ का वीज़ा होता था वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेके, जो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के सवाल हो रहा था कि वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, यानी जो 90 डेज़ का विजिट वीज़ा है वो अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो भैया कल से उन लोगों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से अभी अप्लाई ना हो रहा है और ना ही अभी होगा, ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो एक चीज़ ध्यान दे दें कि आपको 60 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपका जो ग्रेस पीरियड होता था ना, ग्रेस पीरियड इन द सेंस आपको एंट्री करने के लिए, मान लीजिए कि आप पहले क्या करते थे, आप 90 दिन का वीज़ा लेते थे, प्लस आपको 56 अराउंड ऐसे कुछ होता था, 56 दिन के या फिर 60 दिन का टाइम मिलता था, उसके अंदर आप दुबई विजिट कर सकते थे किसी भी दिन। लेकिन अभी उसमें भी उन लोगों ने कम कर दिया है, यानी आपको 28 दिन का टाइम दिया है। 28 दिन के अंदर अंदर आपको जो है दुबई विज़िट करना है। अगर विज़िट नहीं करते हैं तो फिर वीज़ा भी आपका लैप्स हो जाएगा, जैसे कि पहले 90 डेज़ का वीज़ा लैप्स होता था, ठीक है। मतलब क्लियर ये है कि हर चीज़ में इन्होंने समय कम कर दिया है। 90 डेज़ को इन्होंने 60 डेज़ कर दिया है, प्लस जो ग्रेस पीरियड 56 दिन का होता था उसको इन्होंने 28 दिन कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, जो लोग भी अभी विजिट वीज़ा निकालने वाले थे या निकाल रहे थे, तो देख लें भाई। बाकी तो सब कुछ प्राइस वगैरह अभी लगभग इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया है। बाकी जैसे जो कोई भी अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।